जालंधर के कचहरी चौक के नजदीक दोपहर के समय एक टाटा इंडिगो कार को अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन कार के बोनट के नीचे इंजन में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये कार किसी वकील की बताई जा रही है, जो कचहरी के नजदीक एक दफ्तर में बैठा था। वहीं आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। हालांकि इससे पहले लोगों द्वारा कार में लगी आग को बुझाने की कोशिश भी की गई, क्योंकि कार के आसपास और भी कई कारें खड़ी थी। हालांकि कार का मालिक काफी समय के बाद मौके पर पहुंचा, लेकिन उससे पहले कार के इंजन की पूरी वायरिंग बुरी तरह से जल चुकी थी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नरेश कुमार लीडिंग फायरमैन है जी। सानू तलाह आई एक दस्ते कि मास्टर तारण सिंह नगर कार नू अग लगी है। साढ़े आने तो पहले जिहड़े इत्थे पब्लिक सी वो अग बुझाउण दी बहुत कोशिश कर रहे सीगे। मिट्टी भी पाई उन्होंने, पानी भी पाया, पर अग नहीं बुझी। असीं मौके वाली जगह पर पहुँच के तुरंत गड्डी नू पानी ला के नाल ही अग ते काबू पा लिया। नहीं जानी कोई नहीं होया नुकसान। जिहड़ा गड्डी दा मालक किन्नी देर बाद इत्थे पहुंचिया? मालक हुण आया जी। अग तो देख लो तुसीं किन्ना टाइम हो गया। किन्नी वजे दी गड्डी इत्थे खड़ी पई है? ये तो सवेर दी कह रहे गड्डी इत्थे खड़ी है जी। पता लगी अग कितना लगी है? ये तो हुण मालक ही दस सकदे। सवेर दी खड़ी है, धुप ना भी लग सकती है, गर्मी बहुत है। इस करके जिन्ने मेरे साथी सीगे, बलवीर सिंह जी, मोड़ा सिंह जी, चेतन ते मनप्रीत जी, इन्होंने अग ते काबू पा लिया और अग बुझा दी। गड्डी का ये हुण मालक ही दस सकते हैं इंश्योर्ड हैगी कि नहीं हैगी। मेरा नाम नरेश कुमार लीडिंग फायरमैन है जी।